वेलकम बैक दोस्तों, एक नई वीडियो में देखो एमएक्स प्लेयर के एमएक्स प्लेयर सेशन में एक नई सीरीज या फिर आप कह सकते हो एक नया ड्रामा रिलीज किया गया है जिसका नाम है ब्लड ड्राइव। सो देखो इस सीरीज में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ जिसको प्लीज ध्यान से सुनना। तो देखो इस सीरीज में आपको ढेर सारा वायलेंस देखने को मिलता है, खतरनाक आपको ब्लड सीन्स देखने को मिलते हैं और बहुत सारे आपको एडल्ट सीन्स देखने को मिलते हैं, इवन आपको ढेर सारे न्यूड सीन्स भी देखने को मिलते हैं। दैट मींस आप इस सीरीज को अपने फैमिली के साथ बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर सकते हो। इस सीरीज को अगर आप देखने का प्लान बना रहे हो तो डेफिनेटली आपकी एज 18+ होनी चाहिए। बाकी इस सीरीज के सीजन को खत्म करने के लिए आपको इसके केवल 13 एपिसोड देखने पड़ेंगे जिसको मैंने पूरी तरह से देख करके खत्म कर दिया है। इसकी जो हिंदी डबिंग की गई वो उतना कुछ खास नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक है। बाकी सीरीज में आपको एग्जैक्टली देखने क्या मिलता है, इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, इस पर आपका टाइम देना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, आज के इस वीडियो में ज्यादा टाइम लेते हुए मैं आपको ये एग्जैक्टली बताने वाला हूं। तो बिना लगाए चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखो अब अगर बात करें इस साइंस फिक्शन ड्रामा सीरीज के बेसिक प्लॉट की, इसको बिना स्पॉइल किए तेलुगु सीरीज की जो कहानी उसको सेट किया गया फ्यूचर में, जहां पर जो अर्थ की हालत है वो काफी ज्यादा बुरी है, पानी और तेल की भी काफी ज्यादा दिक्कत है। और जो सीरीज की मेनली कहानी वो फोकस करती है आर्थर के कैरेक्टर को, जो कि एक पुलिस डिपार्टमेंट का हिस्सा होता है, बट जो उसकी लाइफ ट्विस्टन तब लेती है जब वो एक ऐसी रेस का हिस्सा हो जाता है जहां से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो उसके बाद इस सीरीज में जो भी चीजें एक्सप्लोर की जाती है उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, स्लिंग क्रिस्टोफर और आर्थर के जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में जो भी ट्विस्ट टर्न आएंगे उन्हीं साइडल्स को जानने के लिए आपको इस सीरीज को शुरू से लेकर के अंत तक देखना पड़ता है। देखो अब अगर मुझे इस सीरीज को एक लाइन में डिफाइन करना होगा तो मैं आपको इतना ही बोलूंगा कि सीरीज काफी ज्यादा जबरदस्त है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यह सीरीज आपको इसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से उतना एडवेंचर, उतना आपको वायलेंस और उतना आपको स्लैशर सीन्स प्रेजेंट करती है जिसकी वजह से यह सीरीज आपको पूरी तरीके से एंटरटेन करेगी। तो अगर आप एक वायलेंस से भरी हुई, बोल्ड सीन से भरी हुई सीरीज देखना चाहते हो जिसमें आपको ढेर सारा मिर्च मसाला देखने को मिले, तो डेफिनेटली मैं आपको यहीं पर रिकमेंड करूंगा कि आपको इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन अब अगर बात करें इस सीरीज के कुछ अच्छे और कुछ नेगेटिव पॉइंट की, तो देखो इस सीरीज की जो सबसे अच्छी बात है वो इस सीरीज में आपको मेन प्लॉट तो देखने को मिलता है, साथ साथ आपको सब प्लॉट भी देखने को मिलते हैं एपिसोड बाय एपिसोड, और उन सब प्लॉट को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से मॉल्ड करके हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है जिसकी वजह से इस सीरीज की जो कहानी है वो डेफिनेटली आपको होल्ड करके रख सीरीज में आपको बढ़िया तरीके से कैमरा प्लेसिंग देखने को मिलती है, कैमरा मूवमेंट देखने को मिलते हैं और आपको अच्छे खासे रेस सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जिनको काफी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया गया है। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी काफी अच्छी है, आपको ढेर सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से उनमें आपको एक जो बैलेंस देखने को मिलना चाहिए वो थोड़ा सा आपको मिसिंग सा फील होता है। बाकी सीरीज में आपको ढेर सारा एक्शन देखने को मिलता है जिनकी जो कोरियोग्राफी वो काफी अच्छे ढंग से की गई है। अब अगर बात करें इस सीरीज के नेगेटिव पॉइंट की, तो इस सीरीज का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो इसका वीएफएक्स और साथ साथ आपको कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं जो थोड़ा ओवर द टॉप हो जाते हैं। इसके जो इफेक्ट्स हैं, आई मीन वीएफएक्स वगैरह के, वो वीक इसलिए हैं क्योंकि ये सीरीज 2017 में रिलीज की गई थी। तो अगर आप उस टाइम के अकॉर्डिंग इस सीरीज को पकड़ोगे तो डेफिनेटली आपको इसके वीएफएक्स भी काफी ज्यादा एंजॉयबल लगेंगे। बाकी सीरीज की जो हिंदी डबिंग है उसको काफी बेहतर किया जा सकता था, बट ओवरऑल प्रोडक्ट निकल के आया है उसमें आपको वॉइस आर्टिस्ट का जबरदस्त एफर्ट देखने को मिलता है। तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए मैं आपको ओवरऑल इतना ही बोलूंगा कि अगर आप इस तरह के कॉन्सेप्ट पर बनी हुई, आई मीन स्लैशर टाइप की मूवीज या फिर वेब सीरीज देखना पसंद करते हो जिसमें आपको ढेर सारा वायलेंस देखने को मिले, ढेर सारे आपको ब्लड सीन्स देखने को मिले, तो डेफिनेटली मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको डेफिनेटली पूरी तरीके से एंटरटेन करेगा। बाकी अगर आप इस तरह के कॉन्सेप्ट पर बनी हुई सीरीज या फिर मूवीज देखना पसंद नहीं करते तो आप इस सीरीज से दूर रह सकते हो। अदरवाइज अगर बात की मेरी, तो याद रखो मैंने इस सीरीज को काफी अच्छा एंजॉय किया है, इसलिए मैं इस सीरीज को ओवरऑल जज करते हुए रेटूंगा 3.5 out of 5 star। तो अगर आपने इसको देख लिया कमेंट में बताना कि आपको इस सीरीज कैसी लगी है, और इनके साथ आपको मेरी आज की वीडियो कहीं से अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, ऐसी वीडियोस देखना पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं फिर से मिलता हूं नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।